चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एनटीए की वेबसाइट पर आधार के रिगार्डिंग और करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन अपलोड हुई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे ही neet.ntaonline.in पर विजिट करेंगे, आपको शुरू में ही इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ तीन इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन वन की बात करते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आधार ऑथेंटिकेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि स्टूडेंट आधार नंबर दे रहे थे और उसके अंदर ओटीपी नहीं आ रहा था, एरर आ रहा था और कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको रेक्टिफाई कर दिया है और जो आधार से लॉगिन का लिंक दिया गया था उसको डिसेबल कर दिया है। लिंक यहाँ पर दिया गया था, यहाँ लॉगिन बाय एप्लीकेशन नंबर भी था और आधार नंबर भी था, तो यहाँ पर आधार नंबर हटा दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन नंबर से ही लॉगिन हो रहा है यहाँ। तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर, जो आपको एप्लीकेशन नंबर आपके मेल आईडी और मैसेज में आया है, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ फिल करेंगे और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है और यहाँ से डिसेबल कर दिया है उसको, आधार को यहाँ से डिसेबल कर दिया है आधार के लॉगिन से। तो ये तो है इंफॉर्मेशन नंबर वन। इंफॉर्मेशन नंबर टू है इसमें कि करेक्शन विंडो वो ओपन होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद। हर साल जैसे करेक्शन विंडो ओपन होता है, इस बार भी करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो जिन स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक हो गई है, वो रजिस्ट्रेशन जैसे ही खत्म हो जाएगा 9th of March 2024 को, उसके बाद करेक्शन विंडो के लिए डेट आएगी। हालांकि ये 3 या 4 दिन के लिए ओपन होता है, तो हम उस समय वीडियो बना के बता देंगे कि ये करेक्शन की डेट क्या रहेगी। अगर किसी स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन करते समय मिस्टेक्स हो गई है तो वो करेक्ट कर सकते हैं करेक्शन विंडो के टाइम पर। अब इसके बाद में जो इंफॉर्मेशन नंबर थ्री है, इसमें क्लियरली लिखा है कि स्टूडेंट को आधार रजिस्ट्रेशन के समय आधार, अपने ही आधार नंबर देने हैं। इसमें पेरेंट्स का या किसी रिलेटिव का आधार नंबर नहीं देना है, नहीं तो आपको आगे प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी। आगे प्रोसेस का मतलब है आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तब प्रॉब्लम आ सकती है, काउंसलिंग के टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपको स्टूडेंट को अपने ही आधार नंबर देने हैं, ये हर जगह लिखा है। जब रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो उस समय भी लिखा है अपने माता पिता रिश्तेदार का पहचान उपयोग न करें, अपना स्टूडेंट इसमें अपना ही आइडेंटिटी यूज करे, पेरेंट्स और रिलेटिव का आइडेंटिटी यूज ना करें। तो ये क्लियरली इंफॉर्मेशन है इसमें। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से समरी में बता देता हूं कि जो आधार के अंदर एरर आ रहे थे क्योंकि किसी का ओटीपी नहीं आ रहा था आधार नंबर डालने पर, या एरर आ रहा था, तो आधार रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, रेक्टिफाई हो चुकी है वो, और जो लॉगिन में आधार नंबर से लॉगिन हो रहा था वो हटा दिया है, वो सिर्फ अभी एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन हो रहा है। दूसरा, करेक्शन विंडो ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद करेक्शन विंडो ओपन होगा। और इसके बाद में थर्ड इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि अपना जो आइडेंटिटी है वो अपना ही यूज करें, किसी रिश्तेदार और पेरेंट्स का यूज ना करें। तो ये तीन मेनली इंफॉर्मेशन थी। आप बने रहे हमारे चैनल पर, इस प्रकार के अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे। रजिस्ट्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई मिस्टेक हो रही है, आपकी रजिस्ट्रेशन करते समय हो गई है, तो आप हमारे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, इसका हम जरूर रिप्लाई देंगे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।